हेलो फ्रेंड्स, मैं जमशेदपुर से सुधा सिंह आप सभी का एवरीडे स्माइल चैनल पर स्वागत है। मैं आज जमशेदपुर में गोपाल मैदान में फ्लावर शो देखने आई हूँ और इसका थीम बहुत ही अच्छा है, हरियाली लाओ और प्रदूषण भगाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका थीम, इसलिए मैं आप सबों को इस नेचर से परिचय कराना चाह रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर है यहाँ पे। इस साइड देखिए, इस साइड पिटूनिया का बहुत सारा वैरायटी है और इधर भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं जिसका तो मुझे नाम भी नहीं पता है। और इधर गेंदा है फ्रेंड, गेंदा है। और उधर मैं दूर से ही यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, उधर गुलाब है, गुलाब की बहुत सारी वैरायटी है। और आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स, भीड़ भी काफ़ी है, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन कुछ कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रोज़ के ढेर सारे वैरायटी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही कलरफुल, अलग अलग कलर का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ फूल ही फूल है, लग रहा है कि जैसे फूल के नगर में पहुंच गए हों। है तो ये जमशेदपुर लोहे का शहर, स्टील का शहर कहा जाता है, लेकिन आज फूल इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ये लौह शहर है, लग रहा है जैसे फूलों का शहर हो। और इधर फ्रेंड्स डालिया, डालिया का है बहुत सारा वैरायटी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य, मन मोहने वाला। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर गुलदौदी है, बहुतों का तो नाम नहीं पता मुझे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है, वो बहुत मेरा मदद कर रही है, फूलों के बारे में बता रही है। और इधर कितने आप भीड़ है वो देख सकते हैं आप, गुलादिला। हाँ, ये मेरी फ्रेंड सालविया, मेरी फ्रेंड बता रही है मुझे। और इधर ईस्टर और फ्रेंच मैरी गोल्ड, मेरी फ्रेंड बहुत सहायता कर रही है, मुझे तो नाम नहीं पता उसे, वो बायो की है टीचर इसलिए उसे पता है। ये डायनासोर, डायनासोर देखिए फ्रेंड्स। और आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ भीड़ काफ़ी है। इधर और भी बड़ा बड़ा डालिया है, बहुत सुंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर डालिया का, डालिया डालिया बहुत सुंदर फ्रेंड। इधर आओ आशी, उधर सब पूरा भाई को पकड़ो। हाँ, डालिया। और यहाँ इतना सुंदर से इन लोग डेकोरेट करके भी रखे हैं कि मन मोह लेने वाला दृश्य है। और देखिए फ्रेंड्स, और इधर बोनसाई फ्रेंड्स, आइए बोनसाई से परिचय कराती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ भीड़ काफ़ी है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही सुंदर सुंदर बोनसाई यहाँ पे है फ्रेंड्स। भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे तो नाम पता भी नहीं है और मैं बता भी नहीं पाऊँगी। ये बरगद है, देखिए फ्रेंड्स बरगद, वो भी बरगद है, उसके पीछे भी
उसके पीछे वाला नहीं पता फ्रेंड्स क्या है। और ये इमली का पेड़ है, ये देखिए कितना सुंदर बोनसाई। ये पीपल, पीपल इसका नाम नहीं पता। ये फिर इमली है, इसके तो पत्ते नहीं हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और इसे देखिए कितना ब्यूटीफुल, यहाँ ढेर सारे बोनसाई का वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्रॉप रूट ही है। बहुत दूर तक बोनसाई लगा हुआ है फ्रेंड्स लाइन से। देखिए किस तरह से इन लोगों ने पत्थरों पर भी पौधे उगाए हैं। ये देखिए ये पीपल पत्थर के ऊपर है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स पत्थर के ऊपर है पौधे। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की कोशिश, बहुत ही अच्छी कोशिश फ्रेंड्स। बोगनविलिया का बोनसाई है, बोगनविलिया का बोनसाई है फ्रेंड्स। ये भी पीपल है। और वहाँ तक बहुत ही सुंदर सुंदर बोनसाई फ्रेंड। अब मैं बंद करती हूँ वीडियो बनाना क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज अगर मैं पूरा दिखाना चाहूँ तो भी ये आज पूरा नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।